मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं गया था अभी रिसेंटली यूरोप एम्स्टरडैम, और वहाँ जाके एक सेकंड सुनो तो, अभी वहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग को मानते हैं सर कसम से, वो ऐसे सड़क पे बनी रंगोली नहीं है वहाँ पे, तो गाड़ी रुक जाती है क्रॉसिंग के पहले और पैदल यात्री पार करता है और उसकी फट भी नहीं रही कि इसको रोक के चलूँ ऐसे, नहीं कोई हाथ नहीं दे रहा है, उसको पता ही नहीं जाएगा आगे। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है यार, तो विदेश में और अपने देश में तो ऐसे नहीं देखा मैंने कहा। तो मैंने कहा मैं ये मॉडल रेप्लिकेट करूँगा फरीदाबाद में। एक दिन मैं घर से वापस आने के बाद घर से गाड़ी लेके निकला और एक अंकल अपने पैर लेके निकले। तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था तो अंकल वहाँ से मेरे को आते दिखाई दे गए सड़क पार करते। तो मैंने गाड़ी भाई साहब ज़ीब्रा क्रॉसिंग के पहले एकदम रोक दी और अंकल डिवाइडर पे खड़े हो गए। तो वो खड़े होकर मुझे देख रहे, तो मैं अंकल को देख रहा। फिर अंकल ने कॉन्वर्सेशन शुरू करा, जाना साले, हाँ रह गए गाड़ी बैठ के। मैंने कहा यार साला पैदल यात्री को इज्जत की आदत ही नहीं है, बट उड़ा दो साले को। जैसे ही मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी अंकल है रुको मैं जा रुको, आदत है कुछ नहीं, ये देश रोड सेफ्टी के नाम पे शून्य। यहाँ पे लाइसेंस असाइन थोड़े ना होते हैं, बटते हैं। ये लो आप भी ले लो भाई साहब, आप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको चाहिए लो आप भी ले लो, क्या साइकिल से कट जाते हो, लो आप भी लो लाइसेंस, चलाओ चलाओ सब चला दो ये लो। मेरा एक दोस्त, मैं मजाक नहीं करूँ, दिल्ली में लोगों को पता नहीं शायद हाई बीम क्या है, या मुझे लगता है कहीं भी नहीं पता हाई बीम। हाई बीम क्या होता है ना, जब ऐसे हाईवे पे जब दूर तक कुछ नहीं दिख रहा होता ना तो लाइट मारनी होती है तेज, वहाँ हमारे यहाँ दिल्ली में पतली पतली गलियों में हाई बीम मार रहे तेज, ऐसा प्रकाश पड़ रहा है, इनको लग रहा है रात होगी रोशनी कर दो, इनका सीन है रात होगी लाइट चलो लाइट सारी लाइट चला दो चलो, आंखों में इतना तेज प्रकाश पड़ रहा है ऐसा लग रहा है कहीं यहां से विष्णु भगवान ना प्रकट हो जाए। तो मैं इसे मना करता हूं डिपर मार के, बंद कर, इसको लग रहा है मैं हाय बोल रहा हूं, हाय व्हाट्सअप, तो ये सुन आई एम गुड हाउ आर यू, आई एम गुड हाउ आर यू, मैं कहा बंद कर साले, कह रहा मेरी गाड़ी में लो फीचर है, देखे देखे देख ये देख सबकी गाड़ी में होता है, देख किसी को नहीं पता भाई क्या करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई ऐसे, एक मेरे दोस्त ने आप यकीन नहीं करोगे यार, उसने पता वो गाड़ी में पीछे भी सीट बेल्ट होती है, उसने वो कैंची से काट दी, पीछे वाली सीट बेल्ट ही काट दी। मैं ये क्या करा, कह रहा हूँ मम्मी को चुपती थी यार। तो मम्मी ने बोला सुट दे इनू, मैं काट देती भैया। मैं कहा भाई मम्मी चिपक जाएंगी आगे, क्या कर रही है, सीट बेल्ट हटा दी। मैं मजाक नहीं भाई, पागल हो गए लोग सच में, किसी को नहीं आता। मेरा एक दोस्त, ये तो असली स्टोरी है यार, उसने 2.5 साल से गाड़ी लेके चला रहा है वो सड़कों पे, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मारता, राइट का देके लेफ्ट मार रहा है। तो इतने बैठा गाड़ी में उसके, मैंने नोटिस कर लिया, मैं कहा भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है तू इंडिकेटर के साथ। तो कहता भाई इंडिकेटर देना जरूरी है ना, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वी शुड ऑलवेज गिव इंडिकेटर। मैं कहा ये बात तो सही है, इंडिकेटर देना जरूरी तो है, पर ये तेरा लॉजिक क्या है राइट देके लेफ्ट। कह रहा वो मैं पीछे वाले को इंडिकेट कर रहा हूँ उसे किस साइड जाना है। ये आदमी सड़कों पे चल रहा है 2032 तक का लाइसेंस उसके पास, लाइसेंस टू किल मार देगा। मेरा दोस्त ड्रंक ड्राइविंग कह रहा मेरे को तो भाई दारू पिए बिना मेरे से चलती नहीं, कह रहा दारू पी लो मेरे को डर टनल दिखाई देता है ये सीधी, अब मैं सीधी चला लूंगा। मैं सच में मेरा तो ड्रंक ड्राइविंग के लिए पकड़ा गया तो उसको सारे नुस्खे पता है, उसने सब गूगल सर्च करवाया हाउ नॉट टू गेट कॉट आफ्टर ड्रंक ड्राइविंग। तो मेरे को समझा रहा, कह रहा तो एक बार बता रहा था कि क्या ड्रंक ड्राइविंग करके ना पकड़ने के लिए ना ऐसे सांस लो और वहीं छोड़ दो, मतलब अंदर से सांस में छोड़ो वो ब्रेथ एनालाइजर में करके छोड़ दो। तो एक बार पुलिस वाले ने पकड़ा तो उसने मुंह आगे कर दिया, सर ले लो वो जो आपको करना है टेस्ट। कह रहा सर टेस्ट तो मैं कर लूंगा बाद में, पर वो जो आपके बियर का कैन पड़ा है ना खुला हुआ
आप ये तो फेंक देते ना पहले, ये तो सेकंड स्टेज है टेस्ट की, बाइक पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग में तीनों को सब कुछ देखना है, इनको सब देखना है। जब पीछे भगवान ने तेरी किस्मत में आगे वाले की गुद्दी रखी है तो तू ये देखना, इनको सब देखना, इधर क्या चल रहा है, पीछे से मैं भी ये देख लूं। कई बार तो ऐसे लगता है सामने से वो लगता है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन यहीं हो जाएंगे। इनको सब देखना, हाँ मेरी मौत आई देख, मौत आई देख, दिखाया ट्रक आया, घुसेंगे सब घुसेंगे। कुछ भी जा रहा है बाइकों पे सामान, भाई सब क्या क्या सामान जाते हैं बाइकों पे इस देश में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बाइकों पे बोरे जा रहे हैं, सिलेंडर जा रहे हैं, बाइकों पे एक बार मैंने देखा बाइक पे सोफा जा रहा था यार। कैसे तुम्हें सोफा जा रहा है, सोफे पे तीन लोग बैठे हैं, अब वो तीनों तीन पत्ती खेल रहे हैं। आजा ये ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा हो गया। आप कभी देखना जो बाइक पे ट्रिपलिंग चल रही होती है ना, तीसरे वाले का ढोंगा होता ना इतना, इतनी सी गांड बाहर रहती है, जो तीसरे वाले की इतनी गांड बाहर, ये सामने वाले की टी शर्ट के भरोसे बैठा है कि ये टी शर्ट ना फट जाए, नहीं तो मेरी फट जाएगी। पीछे वाले की गांड बाहर, आगे वाले के गोटे टंकी पे, एक्सीडेंट हुआ तो बीच वाला कूद नहीं पाएगा, तीनों मरने के हालात में चल रहे हैं। एक तो यहां पे मेरे को साइन बोर्ड ही समझ नहीं आते इस देश में, क्या क्या बना दिए, क्या बना दिया, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। देखो आप मर सकते हो पर मजा आ जाएगा। किल्स के आगे बट लगा दिया है, थ्रिल्स के आगे कंफर्मेशन है। कुछ भी साइन बोर्ड, कुछ सेंसिबल लगा दो यार, ऐसे लगाओ ना मौत होगी तेरी, कुछ भी इमोशनल कर रहे, घर पे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। मैं कहा मेरे घर तो सब ऑफिस चले गए, घर पे कौन इंतजार कर रहा है मेरा। मैंने वो देख के डिस्ट्रैक्ट होकर गाड़ी घुसा दी मैंने, घर पे कौन इंतजार कर रहा है यार मेरी फटली। देखो मैं बताऊं आपको, ये जो मैंने 6-7 स्टोरी बताई ना रोड को लेकर के, इतनी सारी फनी क्यों है पता क्यों फनी है, कि कोई मरा नहीं है। अगर इनमें से एक भी टपक जाता तो तुम्हारी फट लेती। फोन पे बात करते करते गाड़ियां चल रही हैं, करते हो आप लोग, चलाते हो, इतना झूठ मत बोलो। मैं मजाक नहीं, मैं आपको क्या बोलूं, मैं खुद चलाता था पहले गाड़ी ऐसे, पर अब नहीं चलाता मैं, अब नहीं चलाता क्योंकि अब मेरी फट ली है। मैं सच, और एक बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ था यार मेरे, अभी तो मैं शादी होगी, शादी से पहले मैं अपनी बंदीगत घूम रहा था एक बार ऐसे दिल्ली में, एरिया कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया, तो मस्त वहाँ पे शाम को ठंडी ठंडी रहती है, अच्छा सा एरिया है, लक्ष्मण के पराठे वाला उधर जाओ पराठे वराठे खाओ। तो रात को हम गाड़ी में जाके ड्राइव ड्राइव कर रहा था और कुछ बात में फ़ोन देख रहा था बड़ी देर तक, मैं ड्राइव करते करते फ़ोन नहीं ऐसे चुटपुट लगा रहता है, तो शायद चलाते चलाते गाड़ी ऐसे जानी शुरू हो गई और मुझे पता ही नहीं चला सामने से बाइक वाला, वो घुसते घुसते बचाया उसने, वो गाली देके गया ऐसे काट मार के, और मेरी बंदी ने मेरे यहाँ पे थप्पड़ दिया सीधा। क्या कर दिया तूने, ये तू मेरे को ही मारे, खुद को ही मारेगा अभी। तो मेरे को रियलाइज हो गलत है यार सॉरी, क्योंकि मेरी गाड़ी वो लक्ष्मण के पराठे में घुसने वाली थी सीधा, उसके तवे पे पार्किंग होती मेरी, ये ले। पर मेरी सच में फट ली यार, मैंने कि फक ये क्या कर दिया यार मैंने, तो मैंने सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी यार गलती हो गई। कह रही ये क्या तू पागल हो गया, किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, तुझे पता नहीं कितना गंदा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा इतनी गंदा एक्सीडेंट हो चुका है एक बार इस तरीके से गाड़ी चलाने में फोन देखते देखते। तो मैंने कहा सॉरी यार पर क्या हुआ था ऐसे, इतना नाराज मत हो। कह रही मैं एक बार यार नोएडा से टोल से नोएडा जा रही थी तो वही फ़ोन पे लगी पड़ी थी और घुसा दी गाड़ी डिवाइडर पे मैंने, और पूरी गाड़ी पलट के दूसरी साइड एकदम उधर गिर गई। मैंने कहा फक यार, मैंने कहा फिर क्या हुआ, कह रही फिर ना मैं मर गई। Hi guys, I hope you liked the video and if you liked it, do share it with your family, friends, colleagues, बाकी लोगों से भी शेयर कर लो।
Also, Diageo and Network 18 present this initiative known as Road to Safety, which is all about creating awareness about driving safely on the roads and to be a responsible citizen jab bhi aap road pe niklo. So basically, road rage mat karo, helmet wagera pehen lo, aur jo maine joke mein bola us pe dhyan de lo. और अगर आपको समझ आ गया है तो ज्यादा सोचो मत. नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करिए एंड प्लेज फॉर रोड टू सेफ्टी. एंड एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली क्योंकि जरूरी है.